कांग्रेस में एक आदमी एक्सेप्शनल केस भी था यहाँ पर, कौन था वो? सभापति। उसका टाइम पीरियड कितना है, क्योंकि असलियत में कौन है ये? यहाँ पहुँचने की उम्र 30 है लेकिन इसकी उम्र 35, क्योंकि ये बाद में सभापति बनता है, पहले ये उपराष्ट्रपति है। ये कैसा सदन था? अस्थाई। क्यों अस्थाई? कितने साल बाद? इसको भंग होना ही होना। क्या इसका अध्यक्ष जिस दिन ये भंग होती है उसी दिन हट जाता है? कब हटता है? जब नई लोकसभा का गठन हो। जैसे ही नए आते हैं 543, इसमें सबसे ज्यादा एज्ड और एक्सपीरियंस्ड को क्या बना दिया जाता है? प्रोटेम, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम सबको शपथ दिलाता है। किस रूप में? सबको सांसद की शपथ। इस टाइम पर भीड़ में एक आदमी खड़ा होता है जो आगे जाके क्या बनेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। इसलिए अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता। अध्यक्ष की पावर इतनी है कि अध्यक्ष का अगर आर्टिकल 110 के तहत स्टैंप लग जाए और अध्यक्ष के अगर सिग्नेचर दिख जाए तो राष्ट्रपति भी समझ जाता है इस फाइल पे मुझे पहली बार में ही साइन करने ही करने हैं, क्योंकि ये कौन सा विधेयक आ गया? मनी बिल। ये कौन सा बिल आ गया? मनी बिल। थोड़ा सा किताब बताओ जरा कहां तक पहुंचे, फिर आगे बढ़ेंगे। किस पेज पर थे? 81। अच्छा, ये बैठक और ये सब पूरा किया था शायद, है ना? कार्य पढ़ लिए थे? कार्य नहीं पढ़े थे। चलो पेज नंबर 81 पे आ जाओ। कल लास्ट क्लास में बातचीत हुई थी कितने दिन तक एब्सेंट रह जाए एमपी? 60 दिन बिना इन्फॉर्मेशन के, तो उसका मेंबरशिप खत्म। पेज नंबर 81 पे आ जाओ। एक बार जरा देखो, जिसके पास किताब नहीं बाहर करो। लोकसभा अध्यक्ष के बातचीत बंद कर दो आप। जिसके पास नहीं दिखती किताब सीधे बाहर करो। कार्य और अधिकार, पहला पॉइंट टिक करो। सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना। विकास को बुला एक बार और देख जितने हैं इनमें से गड़बड़ वाले निकलवा बाहर। पहला पॉइंट कर लो, प्रश्नों को स्वीकार करना। मैंने कल बताया था दो तरह के प्रश्न, एक के जवाब मौखिक चाहिए, एक के जवाब लिखित चाहिए। सेकंड पॉइंट करो, विभिन्न विधेयक प्रस्तावों पर मतदान करवाना, परिणाम घोषित करना। मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? 100 आर्टिकल में लिखा है कि जब अगर बात बराबरी के विकास जो दिखे ना आज पहचान करके कल उनको घुसने नहीं देना, जो भी गड़बड़ का हो। अपने आप एक बार कहते ही उठ जाया करो, यहां बार बार बेइज्जती नहीं करानी किसी को भी अपनी। जिसके पास किताब नहीं है चलते जाओ यहाँ से, क्योंकि बातचीत किए बिना मानते नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। चलो अगला पॉइंट देखो, निर्णायक मत। निर्णायक मत कौन देगा? अध्यक्ष। किस कंडीशन में निर्णायक मत चाहिए हमें? जब बात बराबरी की हो। अगला पॉइंट टिक कर लो, अध्यक्ष का कर्तव्य है गण पूर्ति, कोरम। कितना बताया था ये? 1/10, 1/10 ये कोरम था। यहां लिख लो 1/10 के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। नीचे का टेबल हमने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, हमें याद भी है। टेबल के नीचे आ जाओ। यदि किसी सदनों के मध्य किसी विधेयक के संबंध में मतभेद हो तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, डबल टिक कर लो, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो पूछें ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। पहला पॉइंट देखो। अगला, संयुक्त बैठक में उपस्थित और मतदान में भाग ले रहे दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत के आधार पर विधेयक को पारित किए जाने के प्रश्न पर निर्णय किया जाता है। लोकसभा द्वारा धन विधेयक, वेरी इंपॉर्टेंट, को प्रमाणित किया जाता है कि वो धन विधेयक है या नहीं। उसका निर्णय अंतिम, किसका निर्णय अंतिम है? लोकसभा के अध्यक्ष का। लिख लो यहां, लोकसभा अध्यक्ष का। जो वह लिखा है ना, वह का मतलब एलएस अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, वो डिसाइड करेगा कि धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट भी टिक करना, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के चेयरमैन की नियुक्ति करता है। समितियां होती हैं बहुत सारी, कुछ होती हैं स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समितियां, कुछ होती हैं प्रवर समिति या अस्थायी समितियों के प्रकार, वो आगे जाके डिटेल में फिर पढ़ेंगे। अगले पेज पर आ जाओ, पेज 82 पर बताओ संयुक्त अधिवेशन किन कंडीशंस में बुलाया जाता है? तीन कंडीशंस हैं, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से समझना, ये टॉपिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की पावर किसके हाथ में है? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में बुलाया जाता है ये? नहीं नहीं, 100 में तो कास्टिंग वोट था, निर्णायक मत। आर्टिकल 108 कहता है अगर कभी तीन कंडीशंस पैदा हो जाएं, ये पॉइंट पढ़ के समझ में नहीं आएगा इसलिए ध्यान से पहले इसको समझ लेना। लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं, पास करके किसके पास भेजती हैं फाइल को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक ने पहले पास कर दिया, तीन चरण होते हैं, पेश करते हैं, बहस करते हैं, पारित करते हैं। मान लो इसने तीनों से निकाल दिया, अब फाइल किसके पास गई? राज्यसभा। राज्यसभा ने भी इसको पारित कर दिया, इसने भी इसको फाइनल की, ठीक है, बिल्कुल ठीक, राष्ट्रपति के पास गया। अगर ये आर्टिकल 110 के तहत स्टैंप और साइन है किसके? लोकसभा अध्यक्ष के, तो राष्ट्रपति समझ जाएगा भैया मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मुझे फर्स्ट टाइम में इसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कौन सा विधेयक है? धन विधेयक, और मैं इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये धन विधेयक ना हो तो, अगर ये आर्टिकल 110 ना हो तो, वापस आते हैं, दोनों ने पास किया, राष्ट्रपति को पढ़ के लगा गड़बड़ है, ठीक नहीं है, कुछ गलत हो रहा है, ये कहेगा मुझे गड़बड़ लग रही है और मैं इस पर पहली बार में साइन नहीं कर रहा, आप एक बार दोबारा से इसके ऊपर विचार कर लो, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। ऐसा राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, उन्होंने कहा था सस्पेंसिव वीटो, मुझे गड़बड़ लग रही है, आप एक बार पुनर्विचार करो। दोबारा फाइल आई, मान लो दोबारा भी पारित कर दी, इसने भी पारित कर दी, अब राष्ट्रपति
32nd टाइम में बाध्य है, चाहे ना चाहे साइन करने पड़ेंगे। आपका राष्ट्रपति की इतनी हैसियत नहीं है लिखित में कि वो कहते कि नहीं मैं साइन नहीं करूंगा। यानी राष्ट्रपति सबसे बड़ा आदमी है, लेकिन सेकंड टाइम में ये भी क्या हो गया, बाध्य। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब ध्यान से देखो, दोनों लड़ पड़े, वहां तक पहुंची नहीं बात। इन दोनों ने, एक ने पारित किया, सब कुछ ठीक ठाक माना, एक ने लोकसभा ने, और फाइल गई राज्यसभा। इसने पेश किया, बहस की, इसने पारित नहीं किया। इसने तीसरी स्टेज में पारित किया, इसने नहीं किया। अब ये शिकायत करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सर ऐसे ऐसे फाइल भेजी थी, ये विधेयक था और इन्होंने मना कर दिया। तो राष्ट्रपति कहेगा कोई बात नहीं, दोनों इकट्ठे बैठो। और क्या बुला लेगा, संयुक्त बैठक। एक कंडीशन है, पहली, एक पारित करे, दूसरी पारित ना करे। मान लो दोनों पारित कर दें, दोनों ने पारित कर दी, यहां इसने भी पारित कर दी। इसके बाद राष्ट्रपति के पास गई, सेकंड कंडीशन है, राष्ट्रपति ने वापस भिजवाई। इसने कहा थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, कुछ एक आधा पॉइंट बदल लेते हैं। अब ये चेंज इसने कहा मुझे पसंद नहीं आए, ओरिजिनल वाली ठीक थी लेकिन चेंज तो मुझे पसंद नहीं आए, यानी जो संशोधन इसने सजेस्ट किए वो इसको पसंद नहीं आए। तो फिर लड़ेंगे आपस में कि ये तो ओरिजिनल को करवाओ, हम इस पे साइन नहीं करते। अब फिर ये शिकायत करेंगे राष्ट्रपति को, सेकंड कंडीशन में क्या बुलाई जाएगी। दोनों कंडीशन अलग बताई हैं, पहली बार में मना किया तो भी संयुक्त बैठक, दोनों ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने मना किया, इसने एक चेंज कर दिया, चेंज इसकी समझ में नहीं आया। तीसरी कंडीशन, एक पारित कर दे, दूसरी उस पे बहस ही ना करे, कोई स्टेप ही ना ले, 6 महीने तक हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे। तो ये फिर शिकायत करेगी राष्ट्रपति को, सर 6 महीने पहले फाइल भिजवाई थी, विधेयक था, देश के लिए जरूरी था, कोई एक्शन नहीं लिया, कितने महीने बीत गए, 6 महीने। ये तीसरी कंडीशन है, यानी इसको अगर मैं छोटा उसमें बना के दिखाऊं, एक पारित करे, एक पारित ना करे, पहली कंडीशन। दूसरी, एक पारित करे, दूसरी 6 महीने रोक के रखे, कुछ हाँ ना कुछ ना करे, दोनों पारित करें, पारित करने के बाद राष्ट्रपति वापस भेजे, एक चेंज करे, दूसरी को चेंज पसंद ना आए। इन तीन कंडीशंस पर आर्टिकल 108 के तहत क्या बुलाया जाएगा, संयुक्त। आज तक तीन बार संयुक्त बैठक बुलाई है, तीन कंडीशंस के कारण, और तीन बार आई है। पहली बार 1961 में दहेज संबंधी कोई अधिनियम लाया गया था, कोई प्रावधान करना था तो दोनों को इकट्ठे बैठाना पड़ा। 1978 में कोई बैंक से जुड़ा विधेयक था जिस पे दोनों की ज्वाइंट सेशन हुआ था। 2002 या 2003 था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, अब यह पारित नहीं हो पाया था। पोटा था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, 2 था ये, क्योंकि एक पे संसद भवन पे अटैक हुआ था, उससे अगले साल के सेशन में आया था ये। तो पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसमें सरकार कह रही थी कि जिस पे शक हो उसको पकड़ के और थर्ड डिग्री का टॉर्चर देकर पता लगाओ ताकि आतंकवादी पकड़े जाएं, लेकिन यह गलत था, इसमें बहुत सारे आम आदमी को पुलिस पकड़ के पीट सकती थी, मार सकती थी, इसलिए इसको पारित नहीं होने दिया। तो आज तक तीन बार जॉइंट सेशन बुलाया गया, दहेज के लिए, बैंक के लिए, टेररिज्म एक्ट के अकॉर्डिंग। इन तीन में से जो तीन बार बुलाया गया ये पारित नहीं हो पाया, बाकी पारित हो गए थे। तीन कारणों से आता है, एक पास करे, दूसरी कुछ करे ही ना, एक पास मना करे, एक पास करे, दूसरी 6 महीने बात ना करे, दोनों पास करें, राष्ट्रपति कहे चेंज कर लो, एक चेंज कर दे, दूसरी को चेंज पसंद ना आए, तो क्या बुलाई जाएगी, संयुक्त बैठक। कौन सा आर्टिकल है ये, 108। जब ये इकट्ठे आएंगे 543 और 245, तो बहुत सारे लोग हो गए। इनकी अध्यक्षता हमेशा कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, या जिसे आप कहते हैं उपाध्यक्ष। अगर ये भी प्रेजेंट नहीं है तो राज्यसभा का सभापति किसी भी कंडीशन में इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकसभा का स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, वो भी नहीं है तो राज्यसभा के स्पीकर को कभी इसका हेड मत बनाना। राज्यसभा का उपसभापति बन सकता है, लेकिन सभापति कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वो असलियत में कौन था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जल्दी से पढ़ेंगे अब संयुक्त बैठक। लोकसभा की शक्तियां पढ़ रहे थे हम, पहला पॉइंट पढ़ा ना हमने, नहीं अच्छा ऊपर थे, ऊपर पहला 82 में पहला पॉइंट पढ़ा। अब ध्यान से पढ़ो और समझो, संविधान के अनुच्छेद 108 में, अंडरलाइन कर लो, 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। तो जॉइंट सेशन किस आर्टिकल में है, 108 में। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न स्थितियों में बुलाया जाता है। पहला, विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाए, तब यदि, फर्स्ट कंडीशन, दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे, मना कर दे। सेकंड कंडीशन, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों, यानी चेंज पसंद नहीं आया। तीसरा, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 महीने से अधिक का समय बीत गया। तो कितनी कंडीशंस बताई, तीन, एक ने पारित किया, एक ने मना कर दिया, एक ने पारित किया, 6 महीने काम नहीं किया, दोनों ने पारित किया लेकिन राष्ट्रपति ने कहा चेंज कर लो, कुछ चेंज कर दिया, चेंज पसंद नहीं आया। टेबल पे आ जाओ, बहुत काम का टेबल है। लोकसभा के अध्यक्ष, अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं, जो प्रेजेंट में है। पहला लोकसभा अध्यक्ष टिक करना, जी वी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्होंने जनवरी में रिजाइन दिया और फरवरी में इनकी डेथ हो गई थी। कार्यकाल के बीच में मरने वाले कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इन्होंने पहले रिजाइन कर दिया, इनकी तबियत खराब थी, डेथ अगले महीने हुई थी। फिर भी लिख लो, इन केस पूछ ही लें, लिखो, लिखा ना 27 फरवरी 1956, यहां लिख लो मृत्यु, इसी के पास लिखना जनवरी में रिजाइन किया था। फिर भी कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है, पूछ लेते हैं इनमें से कौन से ऐसे अध्यक्ष हैं जो कार्यकाल के बीच में गए, दो मरे हैं आज तक, इन्होंने रिजाइन दिया फिर भी कुछ लोग मान लेते हैं। इसके बाद आ जाओ तीसरी लोकसभा पे, हुकुम सिंह लिखा है, देखो हुकुम सिंह, यहां लिख लो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, हरियाणा राज्य बना। हुकुम सिंह के पास लिखना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, हरियाणा राज्य बना, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। इसके बाद चौथी पे आ जाओ, नीलम संजीव रेड्डी, यहां लिखो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने, बाद में जाके सबसे कम उम्र के बनने वाले राष्ट्रपति, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद छठी लोकसभा पे आओ, फिर से नीलम संजीव रेड्डी, लिखो दो बार लोकसभा के अध्यक्ष,
नीलम संजीव रेड्डी दोबारा भी है ना छठी लोकसभा में, वहां लिख लो दो बार लोकसभा के अध्यक्ष। ये फर्स्ट स्टेट के फर्स्ट सीएम भी थे। कौन सी स्टेट थी फर्स्ट? आंध्र प्रदेश का फर्स्ट सीएम भी नीलम संजीव रेड्डी थे। और ये सब अचीव करने के बाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी यही थे 64 साल के। यहां लिख लो दो बार लोकसभा स्पीकर। सातवीं पे आओ, बलराम जाखड़। एक बार टाइम पीरियड देखना बलराम जाखड़ जी का, 1980 से 84 इंदिरा गांधी का टाइम, फिर 85 से 89 ये कौन था इस टाइम? राजीव गांधी। यहां लिखो सबसे लंबा कार्यकाल स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में, बलराम जाखड़ के पास लिख लो सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल बलराम जाखड़। सातवीं आठवीं लोकसभा वाले तो माँ बेटे दोनों, माँ कौन थी इस टाइम पर? इंदिरा गांधी, और बेटा कौन है? राजीव गांधी। दोनों के टाइम में स्पीकर थे बलराम जाखड़। बारहवीं लोकसभा पे आओ, जीएमसी बाले योगी। तेरहवीं में भी देखो जीएमसी, यहाँ लिखो कार्यकाल में मृत्यु। जब तेरहवीं लोकसभा संभाल रहे थे ना तो टाइम पीरियड के बीच में एक्सपायर हो गए, कार्यकाल में मृत्यु दूसरे में लिखना जीएमसी बाले योगी। तो आज तक कितने हैं जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई है? कायदे से तो एक ही है, क्योंकि एक ने अपने कार्यकाल के बीच में रिजाइन कर दिया था। किसने? जीवी मावलंकर ने। कब रिजाइन किया? जनवरी। और एक्सपायर कब हुए? फरवरी में। पर अगर पेपर में दो दो के जोड़े आ जाएं और कहें कौन से दो एक्सपायर हुए, तो बालयोगी और वासुदेव मावलंकर। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? बलराम जाखड़ का। माँ बेटे जब पीएम थे तब थे ये। यंगेस्ट बनने वाला राष्ट्रपति कितनी बार लोकसभा का स्पीकर रहा? दो बार। क्या नाम था? नीलम संजीव रेड्डी। नीचे आ जाओ, पंद्रहवीं, मीरा कुमार टिक्करो। देश की पहली दलित महिला जो लोकसभा बनी, महिला इससे पहले कोई नहीं बनी, फर्स्ट महिला लोकसभा अध्यक्षा, और दलित थी मीरा कुमार। मीरा कुमार जानते हो किनकी बेटी है? देश के उप प्रधानमंत्री रहे थे बाबू जगजीवन राम, लिख लो यहां पर बाबू जगजीवन राम, इनकी बेटी है मीरा कुमार। और इनकी समाधि का नाम है समता स्थल, ये भी लिख लेना समता स्थल इनकी समाधि। इनकी बेटी फर्स्ट महिला है जो लोकसभा की अध्यक्षा बनी। पिछली बार राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी तो खड़ी हुई थी कांग्रेस की मेंबर बनके, लेकिन हार गई थी, मीरा कुमार के पिताजी बाबू जगजीवन राम। इनका उपनाम बाबूजी है, एग्जाम में आ जाए बाबूजी उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो बाबू जगजीवन राम। किसके पिताजी हैं ये? मीरा कुमार के। देश के उप प्रधानमंत्री रहे, इनकी बेटी देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्षा रही है 15वीं लोकसभा की। अगला टिक करना 16वीं में दूसरी महिला बनी थी लगातार में, सुमित्रा महाजन। और अब 17वीं को कौन संभाल रहा है? ओम बिरला, सब जानते हैं ओम बिरला। लोकसभा की शक्तियां, बीच में फिर एक दो को बातचीत करने का शौक जाग गया, बातचीत नहीं करनी किसी को भी। मैंने शायद तुम्हें राज्यसभा की शक्तियां भी छुड़वा दी थी, एक बार पेज नंबर 78 पर आओ, 78 ये कहा था कि इकट्ठे करवा दूंगी दोनों, है ना, शक्तियां छोड़ी हुई हमने, ठीक है। क्या करती है राज्यसभा? बोर्ड पे देखो, दोनों की शक्तियां पहले समझ लो फिर पढ़ेंगे किताब से। इतना तो तुम्हें पता चल गया कि संसद का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? कानून निर्माण करना। क्या कानून एक बार बना के जिंदगी भर नहीं चल सकते क्या? कानून बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि लाइफ बदलती है, समाज बदलता है। कानून निर्माण करना किसकी जिम्मेदारी है? संसद। किसके अकॉर्डिंग बनाने हैं कानून? लेकिन इस संविधान को बदलने की ताकत भी किसके हाथ में है? कितनी अजीब बात है ना, इस संविधान के अकॉर्डिंग कानून बनाने हैं और इस संविधान की किताब को संसद बदल सकती है। इस संविधान की किताब का एक मूल ढांचा है। मूल ढांचा मतलब ये मान लो जो इस संविधान की किताब का पहला पेज है ना, जिसमें हमारी प्रीएम्बल या जिसको हम कहते हैं प्रस्तावना, इसमें जो लिखा है ये हमारे संविधान का मूल ढांचा है। जरूरत पड़ी आपने संविधान में नई नई चीजें ऐड की, आपने इस प्रस्तावना में भी बहुत ज्यादा चेंजेस किए। इसके तीन वर्ड्स आपने बाद में ऐड किए थे, एक समाजवाद, एक धर्मनिरपेक्ष, और एक क्या था? अखंडता। ये खूब आता है एग्जाम में, कौन से तीन वर्ड्स बाद में आए, इसको तुम बाद में भूल जाओगे, इसलिए इसका ट्रिक है समाज और धर्म के खंड नहीं करने चाहिए, टुकड़े नहीं करने चाहिए, न समाज के न धर्म के। तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीन वर्ड तुम्हारी इस प्रस्तावना में बहुत बाद में आए। 1976 में एक अमेंडमेंट किया था 42वां इंदिरा गांधी के टाइम पर। इस संविधान में लिखा है आपका देश जैसा होना चाहिए, इसको बदलना नहीं है, लेकिन संविधान को बदलने की पावर किसके हाथ में है? अगर संसद अपने फायदे के लिए आपका और मेरा नुकसान करती है तो हम अपने आप को लकी माने, हमारे फायदे के लिए हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तुरंत से रोक लगा देगा गलत कानूनों पर। कई बार सुप्रीम कोर्ट बीच बचाव करता है जब गड़बड़ होती है। तुमने देखा अखबारों में आता है किसानों के इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार को भी चेताया है, कई बार चेतावनी दी है, कई बार किसानों को भी चेताया है। इसका मतलब इसकी नजर हर एक चीज पर है। इस किताब में क्या लिखा है इसको बदल सकती है संसद, लेकिन किताब में लिखने का मतलब क्या है ये बताने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। इससे यह पता चलता है कि इंडिया में दो चीजें पैरेलली इंपॉर्टेंट है, एक सरकार या संसद कह लीजिए और एक सुप्रीम कोर्ट, दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और ये एक्सप्लेन करने के बाद अब राज्यसभा से इसको जोड़ लेते हैं और लोकसभा से। इनकी क्या शक्तियां हैं, क्या काम है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कानून बनाती हैं। इन दोनों को हक है, ये आपके देश का राष्ट्रपति चुन सकती हैं। कौन कौन? जब भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा ना तो लोकसभा के सारे मेंबर आएंगे, राज्यसभा के भी सारे मेंबर आएंगे, ये दोनों मिलकर ही आपके देश के उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। तो देश की सबसे बड़ी हस्ती राष्ट्रपति और सेकंड बड़ी हस्ती उपराष्ट्रपति, दोनों के इलेक्शन में कौन लोग हिस्सा लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। मैं और आप नहीं जाते, हम हिस्सा लेते हैं लोकसभा के इलेक्शन में, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाने की पावर इन दोनों के हाथ में है। जितने देश में कानून बनते हैं वो भी कौन बनाती है? लोकसभा और राज्यसभा। इनको ढेर काम है, दोनों को बहुत सारे काम है, और इन कामों को ये उस किताब के अकॉर्डिंग करती है जिस किताब का नाम क्या है? संविधान। आपको मैंने बताया था इसकी
दो पावर ज्यादा है, कौन कौन सी? IAS, IPS, IFS, नई अखिल भारतीय सेवाएं, और कौन सी सूची का विषय? राज्य सूची का विषय, किसको सौंप सकती है ये? केंद्र को। यही सारी बातें देखो बुक में से पढ़ेंगे। राज्यसभा की शक्तियां, पहला पॉइंट देखो, सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है राज्यसभा, और धन विधेयकों में संशोधन सिर्फ प्रस्ताव कर सकती है। क्या धन विधेयक में ये रोक सकती है कि 6 महीने पारित ना करूं? कितने दिन का टाइम मिला? 14 दिन में मर्जी हो तो पास कर दो, ना मर्जी हो तो रखो फाइल को। फाइल सीधे कहां जाएगी? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति धन विधेयक पे मना कर देगा? क्यों नहीं मना कर सकता? पहले पूछा था, जब पहले पूछ लिया तो क्या रह गया? अंडरलाइन कर लो ये। तो सामान्य विधेयकों पर विचार कर पारित करती है, धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। लिखो मना नहीं कर सकती, प्रस्ताव करना होता है तुम्हारी मर्जी, मन करे मान लेना मेरी बात, ना मन करे मत मानना, मना नहीं कर सकती। अगला टिक करना, संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। अगर किताब में कुछ बदलाव करना है तो कौन मिलकर करेंगी? लोकसभा और राज्यसभा, इसलिए बताया। प्रश्न पूछकर, किससे प्रश्न पूछ सकते हैं मेंबर? मेंबर किससे प्रश्न पूछेंगे? जिसके पास पावर है। मेंबर को आप क्या कहते हो? सांसद। और जिसके हाथ में ज्यादा पावर है वो कौन होते हैं? मंत्री। तो सांसद किससे क्वेश्चन पूछते हैं? मंत्रियों से। कल मैंने एग्जांपल भी दिए थे, ये टिक कर लो। प्रश्न पूछकर आगे पढ़ो, संकल्प और प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका मतलब सरकार, लिख लो इसके नीचे, सरकार पर नियंत्रण करती है ये। नेक्स्ट टिक करना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है। अगली लाइन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटा सकती है, राज्यसभा लोकसभा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उपराष्ट्रपति यहीं का सभापति है, ना लोकसभा का काम करता, ना उसे दिक्कत होती। लिख लो, क्योंकि ये सभापति है, क्योंकि ये सभापति है। इसके बाद अगला पॉइंट करना, ये संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का, क्या ऐसा लोकसभा कर सकती है? नहीं कर सकती। गुड मॉर्निंग। ब्लड डोनेशन कैंप जैसा मैंने बताया था कल स्टार्ट हो गया है, और मैंने सबसे पहले डोनेट कर दिया है। तो तुम है भाई, और जैसे जिस टाइम पर जरूरत होती है, जैसे आज जरूरत है, पूरे प्रदेश में डेंगू इतने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, लोगों को प्लेटलेट्स और ब्लड मिल ही नहीं रहा है। कल मैंने जब इस पर लगाया तो बोला हमें भी दिलवा दो, हमें भी दिलवा दो, बहुत सारे लोगों के कॉल्स वगैरह आए थे, और कल भी अरेंज करवाया था। तो ऐसे टाइम पर सभी लोगों को डोनेट करना चाहिए, और ब्लड जो लोग डोनेट करते रहते हैं उसके अंदर नया ब्लड बनता रहता है, इसका नुकसान कुछ भी नहीं होता, फायदा होता है। जो लोग कंटिन्यूस जो है बीमार जो ये कहानी है ना, तो बीमारियां लगे ही ना अगर आप लोग जो है डोनेट करते रहे ब्लड, तो जैसे ही मौका मिले तुम लोग भी कर देना, ठीक है? इट इज नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है, आप लोगों की श्रद्धा है तो आप करें, नहीं तो ना करें। पर जैसे जवान बच्चों को इस कामों में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, मैं हर तीसरे चौथे महीने करता रहता हूं, तुम लोगों को भी करना चाहिए। बाकी तुम्हारी जैसी श्रद्धा, थैंक यू वेरी मच। आजकल अखबार में देखते हो रोज आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की डेथ होती जा रही है। कल मैं पढ़ रही थी, 4 तो छोटे बच्चे मर गए, हरियाणा का सोनीपत भास्कर था, और क्या कारण बताया? प्लेटलेट्स की कमी। डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है, मच्छर काटने से होने वाला बीमारी है। तो अगर कोई अब मौका मिले तो कर देना चाहिए ब्लड डोनेशन इस टाइम पे। कल सच में सर के पास जब फोन आया ना, तो परिमल सर कह रहे थे कि अभी पीछे तो लगवाया था 3-4 महीने पहले कैंप, तो उनके ये शब्द थे कि भाई साहब बिल्कुल बुरा हाल है और ब्लड सच में नहीं है, ब्लड बैंक्स खाली बराबर हो गए, क्योंकि ये इतने ज्यादा बढ़ गए, जानबूझ के सरकार दिखा नहीं रही टीवी पर, नहीं तो डेंगू का बहुत ज्यादा प्रकोप जैसे पिछले 2 साल पहले आया था ना, उसी स्पीड से फैल रहा है। तो अगर कर सकते हो जरूर डोनेट कर देना, किसी एक की जान अगर बच सकती है, पता नहीं किसका बेटा भाई, किसी की माँ, किसी की वाइफ इतने बीमार हो जाते हैं, और एक आदमी के जाने से परिवार खत्म हो जाता है, तो अगर ब्लड डोनेशन से किसी का फायदा है तो कहीं ना कहीं तुम्हें उसका फायदा मिल जाएगा। चलो आगे पढ़ेंगे, कौन सा आर्टिकल था ये? 249, लास्ट पॉइंट है। देखो, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार, जल्दी से लिखो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 इंपॉर्टेंट लिख लेना, और यहां लिख लो उच्च सदन है, इसी कारण उच्च सदन है। अगले पेज पे आ जाओ, 79 पर, वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा को 14 दिन की विलंबनकारी शक्ति प्राप्त है। कितने दिन रोक पाएगी? सिर्फ 14 दिन। और अगर मान लो कहे कि नहीं पास करती तो क्या करेगी लोकसभा? फाइल सीधी राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति मना करेगा? इसका मतलब पैसे की पावर किसके हाथ में है? लोकसभा के हाथ में। राज्यसभा सिर्फ कितने दिन रोक पाई? 14 दिन, 2 सप्ताह सिर्फ। अगले पे आ जाओ, विशेष शक्तियां, पहला पॉइंट पढ़ना। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, अंडरलाइन कर लो, इसमें राज्यों के मेंबर्स हैं। चौथी लाइन को पीछे टिक करना, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रहित में संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, संविधान का आर्टिकल 249, तीसरी लाइन टिक कर लो, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त हो जाता है। तो कौन सा आर्टिकल कहता है कि इसका टॉपिक चेंज कर सकते हैं? 249, इसीलिए उच्च सदन है। अगला पॉइंट भी टिक करो, अनुच्छेद 312, आर्टिकल 312, सेकंड लाइन पीछे टिक करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, यहां लिख लो IAS, IPS, IFS, 3 हैं बस अखिल भारतीय, बाकी केंद्रीय कहलाती हैं या राज्य कहलाती हैं। IAS, IPS, IFS, ये कौन सा एफ है? फॉरेस्ट सर्विसेज। कब बना था ये? 1966 में, आजादी के बाद बस यही बना, अंग्रेजों ने बना दिए थे IAS और IPS, लिख लो यहां IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 1966। तो आजादी के बाद कौन सी अखिल भारतीय सेवा हमने खुद क्रिएट की है? IFS, इस कारण से उच्च सदन है। अगला पॉइंट करो, राष्ट्रपति
वर्ष में कम से कम दो बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। क्या तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिवेशनों के बारे में लिखा हुआ है? तीन अधिवेशन बताए थे मैंने एक दिन तुम्हें, बजट, मानसून और शीतकालीन, याद है? BMW से याद कर लेते हैं इनको, बजट सत्र, एम मतलब मानसून, बजट, मानसून और विंटर, BMW, इससे याद कर लें। तीन सेशन, सबसे पहले कौन सा होता है? बजट। एम मतलब क्या है? मानसून, और W मतलब क्या है? विंटर, हिंदी में कहते हैं शीतकालीन सत्र। ये मैंने भी कभी नहीं सोचा कि BMW से याद कर सकते हैं। शाम को जब हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो 8th क्लास का एक लड़का, मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ा रही थी, तो उसने कहा कि मैम इसको BMW से याद कर लें, जैसे मैंने बी लिखा था इसके सामने बजट। तो उस बच्चे की ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी। और कई बार देखो बच्चों से भी कितना सीखने को मिलता है, 8वीं क्लास में पढ़ता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, पवित्र नाम है उसका, उसकी मम्मी हमारे पास पढ़ती है, उन्होंने वहां ट्यूशन पे भेजा, और वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है। मार्क्स उसके आते नॉर्मल, 20 में से 16 आ गए, 17 आ गए, मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते, लेकिन उसका समझ का दायरा बहुत विकसित है। और मैंने उसकी मम्मी को भी यही कहा, उसके पिताजी को भी, कि इसके पीछे ऐसे मत पढ़ना कि फुल मार्क्स ला। हर बच्चा मार्क्स के लिए नहीं बना, मार्क्स तो रटने वाले के बहुत आसानी से आ जाते हैं, लेकिन उस बच्चे की जो समझ का दायरा है ना, बहुत ज्यादा विकसित है। कल मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रही थी तो उसने बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे, और जो वो क्वेश्चन पूछता है ना, वो मैं सच बताऊं आज तक मुझे यहां किसी ने नहीं पूछे। उसका दिमाग का दायरा इतना विकसित है अब से पहले। 8वीं क्लास क्या होती है, 3-4 दिन आया नहीं, तो कल वो आया, मैंने कहा पवित्र तू क्यों नहीं आया, तो कहता मैम बीमार था। वो नहीं आया तो टीचर भी मिस करता है कि ऐसा बच्चा क्लास में होना चाहिए जिसका दिमाग अब से पहले इतना मैच्योर है। हाँ लेकिन थोड़ा सा हाइपर है, उसका ध्यान भटकता बहुत है, जो पढ़ा रहे उससे 10 चीज एक्स्ट्रा। ये अच्छी बात है, वो क्रिएटिव है, लेकिन इंडिया में ना हमारे यहाँ ऐसे बच्चों को पीटते हैं टीचर्स। ऐसा बच्चा पूछे तो कहते इधर आ जा तू, नंबर तेरे आते नहीं, और 2-4 थप्पड़ जड़ के बैठा देंगे। लेकिन वो लड़का मेरा अपना फेवरेट स्टूडेंट है क्लास 8 का, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, और उसका दिमाग जब वो कुछ पढ़ाती हूँ ना मैं, तो उससे जुड़े ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं कि मुझे अचंभा होता है कि जो मैंने 25-30 साल में जाके समझा सीखा, वो उस 10-11-12 साल के लड़के के दिमाग में अब से पहले है। उसका बस दिक्कत यह है एनवायरमेंट वैसा नहीं मिलता, तो वो क्लास में स्कूल में कई बार पिटता भी होगा इन्हीं बातों के लिए, हमारे इंडिया की दिक्कत है ये, वरना क्रिएटिव दिमाग है। तो उससे मैंने ये नई चीज सीखी कि हाँ इसको BMW से ना याद करें, कितनी अच्छी बात है, किसको बताएं याद भी रह जाए। तुम तो बड़े हो ऐसे याद कर लोगे। 8वीं क्लास के बच्चे को मानसून, बजट और ये शीतकालीन या विंटर याद रखना मुश्किल था, तो अब इसको मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी कि उस बच्चे ने BMW का फॉर्मूला मुझे बताया था। ये क्रिएटिव दिमाग की उपज होती है। चलो आगे बढ़ेंगे। हम पहुंचे अधिवेशनों की बात कर रहे थे ना, तो कितने अधिवेशन साल में कम से कम होंगे? दो, नहीं हम तीन करते हैं, कम से कम कितने होंगे? दो। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दो अधिवेशनों में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी आपकी किताब कहती है कि कितने अधिवेशन कर लो, दो, लेकिन हम करते कितने हैं? तीन। हम बजट को रखते हैं फरवरी के एंड में और ये मई तक खिंचता है, फिर मानसून रखते हैं जुलाई अगस्त में, और फिर नवंबर दिसंबर में चलता है शीतकालीन। ये सबसे छोटा सत्र है, ये सबसे लंबा सत्र है, बजट सत्र। यहां टिक कर लो, ये क्या है ये वाला पॉइंट देखना जरा। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम दो बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है, वैसे हम कितनी बार अधिवेशन रखते हैं? तीन बार। नेक्स्ट कर लो, उपराष्ट्रपति को अपदस्थ करने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा में क्यों नहीं? क्योंकि इनका काम करता है, जिसका काम करता है उसी को तो हटाएंगे ना। लिख लो यहां, क्योंकि ये सभापति है, क्योंकि ये सभापति है। नेक्स्ट करना, उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति, कौन होता है कार्यकारी राष्ट्रपति? अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाए, वो मर जाए टाइम से पहले, तो जो उसका काम संभालने आएगा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्यवाहक, या उसी को कहते हैं कार्यकारी, या इंग्लिश में उसी को कह देते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तुम्हारे कितने राष्ट्रपति आज तक कार्यकाल के बीच में मर गए? दो। पहले का नाम था जाकिर हुसैन, दूसरे का फखरुद्दीन अली अहमद। जब तुम बेसिक बैच में थे ना, तो इनके कार्यकाल तुम्हें समझाए थे, 1967 से 1969 वाला ये जाकिर हुसैन, और 1974 से 1977 वाला फखरुद्दीन अली अहमद। जब ये दो आदमी एक्सपायर हुए तो किसको बुलाया गया होगा? उपराष्ट्रपति को। इस टाइम पे एक्टिंग बना था V.V. गिरी, और इस टाइम पर एक्टिंग बना था B.D. जत्ती। अब जिनको याद नहीं रहते ना, फिर पेपर में जब ये आएंगे तो वहां दिक्कत होगी ही होगी, इसलिए चीजों को ध्यान से सुना करो। ये सब बेसिक बैच में कराया था, यहां टिक कर लो। ये जहां लिखा है उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में, कार्यकारी के ऊपर लिख लो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्टिंग प्रेसिडेंट। आगे टिक करना, कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान राज्यसभा के उपसभापति द्वारा सभापति के रूप में कार्य। उपसभापति कौन था? जो 245 में से था, बाहर से कौन आया था? उपराष्ट्रपति। क्या बन के बैठ गया था? सभापति। अगर राष्ट्रपति एक्सपायर हो गया तो सभापति क्या करने चला जाएगा? एक्टिंग प्रेसिडेंट की कुर्सी पर प्रेसिडेंट का काम करने। तो क्या उस दौर में वो राज्यसभा में जाके काम संभालेगा? नहीं, फिर कौन करेगा? उपसभापति। ऐसा कितनी बार हुआ होगा? दो बार। किस किसकी डेथ के बाद? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन। कौन दो लोग नहीं किया होगा कि लोगों ने सभापति के रूप में? एक V.V. गिरी ने, एक BD जत्ती ने। लिख लो यहां, लिखो अब तक दो बार ऐसा हुआ, अब तक दो बार ऐसा हुआ। लिखना दोनों के नाम, V.V. गिरी और BD जत्ती, V.V. गिरी और BD जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। V.V. गिरी सामने दोनों के नाम लिखे, वेंकट वराह गिरी इसका पूरा नाम है, पूरा मत लिखना, V.V. गिरी लिख लो, और BD जत्ती, कहीं कहीं जत्थी भी लिखा, वो यही आदमी है, V.V. गिरी BD जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो क्या उस टाइम पे ये जाके राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पे बैठते होंगे? क्या उस टाइम कौन बैठता होगा? उपसभापति। V.V. गिरी और BD जत्ती किसकी मौत के बाद बने? ये जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। चलो आगे टिक करना,
तो राज्यसभा के उपसभापति सभापति के रूप में काम करेगा। अगला पॉइंट करो, राज्यसभा का गठन अगस्त 1952 को हुआ, क्या नाम था तब राज्यसभा का? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कब तक चला? 1954 फिर 54 में इसका नाम पड़ गया राज्यसभा। यहां लिख लो 52 से 54 काउंसिल ऑफ स्टेट्स थी, 1952 से 54 काउंसिल ऑफ स्टेट्स थी। चलो अब लोकसभा तो हम पढ़ चुके हैं, इसकी शक्तियां और कार्य पढ़ेंगे। पेज नंबर 82 पे आ जाओ, 82 पर लोकसभा की शक्तियां, जो राज्यसभा का पढ़ा सेम वैसा ही लोकसभा का है। पेज 82 के लास्ट पे आ जाओ, पहला पॉइंट विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। क्या कानून बनाने में लोकसभा कोई रोल प्ले करती है? यही तो बनाती है कानून। क्या आते हैं कानून बनने से पहले? विधेयक। कितनी तरह के हैं? दो, एक धन विधेयक, एक साधारण। धन सिर्फ कहां पेश होगा? लोकसभा। कितने दिन राज्यसभा रोक पाएगी? और साधारण कहां पेश होगा? कहीं भी। दूसरी कितने महीने रोक पाएगी? 6 महीने। अगर 6 महीने में पारित नहीं किया तो क्या बुलाई जाएगी? संयुक्त बैठक। सारी बातें इसमें हैं। पहला पॉइंट देखो, विधायी शक्तियों में सरकार द्वारा साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी भी को डबल टिक कर लो, क्योंकि ये साधारण है तो किसी भी। महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। सरकार कहां बैठती है? लोकसभा या राज्यसभा? और नीतियां बनाने की पावर किसके हाथ में है? सरकार। इसलिए लोकसभा में इंपॉर्टेंट मैसेज सारे आते हैं। अगला पॉइंट देखो, यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद हो, अंडरलाइन कर लो मतभेद, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 108 के तहत। तो ज्वाइंट सेशन किस आर्टिकल में है? 108 में। आगे टिक करना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक में लोकसभा की स्थिति अपने सदस्य संख्या के बल पर मजबूत। अब देखो इकट्ठे बैठे कितने थे लोकसभा के, और उनके कितने थे? ये हो गए कितने? 788। क्या लगता है किसकी बात ज्यादा पावरफुल मानी जाएगी? लोकसभा। ये कहेंगे इसके अगर 50% प्लस एक मान गए तो बात मानी जाएगी। आप सोचो 788 में से 500 प्लस तो अकेली किसके हैं? लोकसभा। इसलिए ज्वाइंट सेशन में जीतने के 100% चांसेस किसके हैं? लोकसभा। बुला लो ज्वाइंट सेशन, मर्जी लोकसभा की चलेगी, ज्यादातर ऐसा ही होता है। नेक्स्ट करना, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक 6 महीने तक अपने पास रोक कर रख सकती है। 6 महीने के बाद उसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। अगर ना माने तो क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक। लिख लो यहां, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। पेज 83 पे आ जाओ, वित्तीय शक्तियां, पैसे की सारी पावर किसको दे रखी है? लोकसभा को। पहला पॉइंट करना, वित्त के संबंध में लोकसभा को सभी शक्तियां प्राप्त है, राज्यसभा को इस संबंध में बहुत कम शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक केवल लोकसभा में, डबल टिक कर लो, केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। लोकसभा में पास होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा को केवल सिफारिश, इसको भी डबल टिक कर लो, केवल सिफारिश करने के लिए भेजे जाते हैं, जिनकी स्वीकृति या अपनी सिफारिश करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन दिए जाते हैं। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक विधेयक को अपनी सिफारिश के साथ वापस नहीं भेजती तो भी विधेयक को पारित मान लिया जाता है। किस बात में इज्जत है राज्यसभा की? 14 दिन में इनकी बात मान के साइन करके वापस भेज दो। अगर नहीं मानी इनकी बात तो भी पास करवाना, तो अपनी बेइज्जती भी क्यों करवानी। कार्यपालिका पर नियंत्रण शक्ति ले आओ। पहला टिक करना, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से, पेपर में आया था ये, सामूहिक और एकल, बहुत से बच्चों को समझ में ही नहीं आता, इसको थोड़ा सा सुन लो पहले। दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको आपने सरकार बना के भेज दिया, जिसको ज्यादा मत दे दिए, जो जीत गया। ये बैक बेंचर्स का ध्यान पढ़ने में नहीं है, और मेरा ध्यान इस बात पे है कि तुम नहीं पढ़ रहे हो। अब ध्यान से अलर्ट होकर सुन लो, जो ये सरकार बनती है ना, सरकार को हम सब ने जिता दिया तभी वो सरकार बना पाई। अब सरकार बनाने के बाद उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी ढंग से पूरी करेगी तो अगली बार आ जाएगी, नहीं तो चली जाएगी। पर इन 5 सालों में भी जिम्मेदारी के लिए जवाबदेही तो होती है ना। अब तुम अपने घर से उठ के आ गए, तुम्हारे घर वालों ने कह दिया ठीक है 1 साल और लगा लो पढ़ाई पे, खर्चा कर लो, पैसा लगा लो, किताबें ले लो, कॉपी ले लो, लेकिन लग जाओ, पढ़ लिख के काबिल बन जाओ, कम से कम अपने कमाने खाने लायक बन जाओ। अब जिसके ऊपर पैसा लग रहा है, जिसके ऊपर विश्वास किया गया, उस हर इंसान की कायदे से एक जिम्मेदारी है। माने ना माने अलग बात होती है, आपकी सरकार नहीं मानती वो एक अलग बात है, या आप नहीं मानते कुछ लोग, ये जिम्मेदारी होती है, मॉरल ड्यूटी। अगर पेरेंट्स विश्वास करके यहां तक भेजते हैं, तुम्हें टाइम दे रखा है, पैसा लगा रखा है, तो कम से कम एक मॉरल ड्यूटी है। और ऐसे ही सरकार की भी जिम्मेदारी है। इस सरकार में जो लोग सरकार में बैठे, मान लो 80 मंत्री हैं सारे मिलाकर, एक आइडिया है, इन 80 में से अगर एक बहुत बड़ी गड़बड़ करता है और वो गड़बड़ प्रूव कर दी जाती है कि देखो जिसने बहुत बड़ी गड़बड़ की, तो ये गलती उस अकेले की थोड़ी है, ये गलती उन बाकी 79 की भी मानी जाती है। जैसे परिवार में कोई एक बच्चा कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दे, और मिस्टेक छोटा शब्द है, कोई ब्लंडर कर दे कि जिसकी माफी ना हो, अब उस बच्चे की गलती वो 18 से ऊपर है, तो पूरा गांव शहर सब लोग या पुलिस भी कहेगी ना पेरेंट्स को आप कहां थे, आपने क्यों नहीं संभाला। जब गलती एक इंसान करता है ना, तो उससे जुड़े सब लोगों को सफरर बनना पड़ता है। यहां भी ऐसा ही है, यहां एक की गलती सबकी गलती मानी जाती है कि आप कहां थे, जिम्मेदारी तो आपकी भी थी, परिवार तो आपका था। इस एक की गलती सबकी गलती, इसे कहा जाता है सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। ये है आपके यहाँ। अब ये किसके प्रति है? एक की गलती सबकी गलती कहाँ मानी जाएगी? तो ये लोकसभा के प्रति है। यहाँ मोदी जी कुछ भी करेंगे, बीजेपी को गलत लगेगा अगर, तब भी ये नहीं बोलना कि हमारे मोदी जी गलत कर रहे हैं। सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, कांग्रेस का जो नेता होगा वो कुछ भी गलत करेगा, पर कांग्रेस के बाहर आदमी ये स्वीकार नहीं करेंगे। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोदी जी ने नोटबंदी की, बहुत सारे चैनल्स पे उनके लोगों को बुलाया गया, खूब बेइज्जती भी हुई, बोल नहीं पाए कुछ भी, लेकिन बस यूं बोलते नहीं जी जो किया ठीक किया, नहीं जी जो किया ठीक किया। वो कुछ पूछ रहे हैं जवाब, नहीं जी जो किया ठीक किया, नहीं जी जो किया ठीक किया। क्यों? क्योंकि ये एक रूल है, आपका हेड
गलत करे ठीक करे आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पब्लिकली नहीं कह सकते कि हाँ जी मैं भी सोच रहा हूँ मोदी जी ने गलत कर दिया, वैसे आप बीजेपी के, आप ऐसा नहीं कह सकते, या कांग्रेस के आदमी और कांग्रेस की बुराई करेंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ मानी जाती है? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है, सामूहिक उत्तरदायित्व। अब इसमें 80 मंत्री हैं, एक एक गलती कर सकता है कोई भी, वो अलग बात है, सामने आए ना आए, जब एक एक से क्वेश्चन पूछे ना तो वो इनका जिम्मेदारी, इनका उत्तरदायित्व पर्सनल राष्ट्रपति के प्रति है। अगर पूछे एकल उत्तरदायित्व तो कहोगे राष्ट्रपति के प्रति, और कहें सामूहिक उत्तरदायित्व तो लोकसभा। लोकसभा में ही इनसे क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चंस? प्रश्नकाल, कल शायद मैंने बताया था, शून्यकाल या नहीं बताया, थोड़ा सा बताया था, डिटेल नहीं बताया, आगे आएगा तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलो देखें जरा क्या करते हैं ये। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, पेपर में आएगा ये, सामूहिक रूप से कहां उत्तरदायित्व है? लोकसभा। एक की गलती सबकी गलती है, राष्ट्र की नहीं, इन सबकी, हमारी क्यों गलती है? एक की गलती इनकी गलती है जो 80 बैठे हुए क्या कर रहे थे, ये टिक कर लो। यदि मंत्रिमंडल लोकसभा का विश्वास खो देता है तो उसे सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। राज्यसभा में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ये अंडरलाइन कर लो। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, किसके खिलाफ लाते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार के खिलाफ। ये सिर्फ कहां ला सकते हैं? लोकसभा में। ये टिक कर लो, इंपॉर्टेंट लिख लो यहां। राज्यसभा में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, तो कहां लाया जाएगा? सिर्फ लोकसभा में। अब देखो नीचे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको टिक करना। कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रखते हैं, पहला पॉइंट, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मंत्रियों से उनके विभागों के बारे में प्रश्न पूछकर, कल मैंने एग्जांपल दिया था, एजुकेशन मिनिस्टर से पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी रिजल्ट पेपर इनके बारे में। अगला टिक करो, स्थगन प्रस्ताव, स्थगन होता है काम को रोक दो, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं पहले उसका आंसर दो। नेक्स्ट पढ़ना, विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से, अंडरलाइन करो, मंत्रालयों के कामकाज पर टीका टिप्पणी करके, उनकी आलोचना करके। नेक्स्ट, मंत्रियों द्वारा पेश विधेयकों को नामंजूर करके, बजट अस्वीकार करके, ये सब तरीके हैं सरकार को कंट्रोल करने के। लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट भी टिक कर लो, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। इसके बाद नीचे आ जाओ, लोकसभा की विशेष शक्तियां, ये जो शब्द आया ना महाभियोग, इसको राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब डिटेल से समझाऊंगी, अभी क्योंकि राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमने शक्तियां पढ़ ली। अब इसकी विशेष शक्तियों पे आ जाओ, लोकसभा की, बताओ कौन से विधेयक सिर्फ लोकसभा में जाएंगे? धन विधेयक। फटाफट से टिक करना, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा कर सकती है, अंडरलाइन करना, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, वो उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। कुछ लोगों का तो पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, फिर बैठे रह जाओगे यहीं, एक डेढ़ साल बाद भी कुछ नहीं मिलना। ये जो टाइम है ना जो भाग रहा है, इसको जिसने अब पकड़ लिया, टाइम को हमेशा आगे से पकड़ा जाता है। जो पिछला साल बीत गया तुमने कुछ नहीं किया, उस साल में 2020 गया, 21 भी जाने की कगार पर आ गया, नवंबर आ जाएगा, तुम एक साल बड़े जो अब हो रहे हो ना, ये जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। जैसे तुम 50 से 51 के होगे मैटर नहीं करेगा, या तुम 40 से 41 के होगे, लेकिन इस एज में जिसमें तुम बैठे हो, 18 से 27 का क्राउड है यहां, कोई 18, कोई 19, कोई 20, कोई 23, कोई 24, ये सबसे कीमती साल होते हैं लाइफ बनाने के। इन सालों की मेहनत कल को तुम्हारे पास गाड़ी और घर बनवा देगी या जिंदगी भर बेरोजगार रखवा देगी। इस टाइम की कीमत सबसे ज्यादा है, ये क्रूशियल टाइम है अपनी लाइफ सेट करने का, इसकी कीमत समझो। और जिनसे आज बातचीत कर रहे हो ना, ये 10 साल बाद कोई साथ नहीं रहना, ये सब साथ छूट जाएगा यहीं के यहीं। ये जो यार दोस्त और संगी साथी है ना, कभी अपने से 15 साल बड़ों से पूछ के देखना, उसके चलते हैं साथ जिसकी एक रेपो होती है सोसाइटी में। लोग जिनका नाम खराब है ना, उनसे कन्नी काट लेते हैं, या बेरोजगारों के तो आसपास भी लोग नहीं रहते, पता आएगा यार 1,000 रुपए दे दे, यार 2,000 रुपए दे दे, इसी तरह से आएगा, और क्यों आएगा कोई बेरोजगार? पढ़े लिखे लोगों का इतना एक सर्कल डेवलप होता है, जब कल को तुम रोजगार में आ जाओगे ना तो लाइफ को जीने का आनंद आएगा, फिर उसमें तुम अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी पाओगे, लेकिन उसके लिए मेहनत अब करनी पड़ेगी। आज से 2 साल बाद अगर तुम जागोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। हर साल कंपटीशन में करोड़ों की भीड़ बढ़ रही है, हर साल लोग जागरूक हो रहे हैं। आज से 5 साल पहले नौकरी लगना जितना आसान था ना, अब उतना नहीं है, और 2 साल बाद कंपटीशन और भयानक हो जाएगा। तो इस साल की कीमत समझो, इसको मत गवाओ, और ये अब नहीं समझे तो फिर समझोगे भी नहीं, फिर 10 साल बाद सोचोगे कि काश तब मान लिया होता। कभी भी देखना, आज के टाइम में अनपढ़ माँ बाप अपने बच्चे को ज्यादा प्रेशराइज करते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वो देखते हैं कि हम उस टाइम नहीं पढ़े जिसका नुकसान अब भुगतना पड़ रहा है। तुम अगर नहीं पढ़ोगे ना अब, तो ये सोचो आगे जाके जीवन कितना टफ है। मैंने शायद कल तुम्हारी क्लास में बताया था, एनसीईआरटी की एक किताब बताई थी बात मैंने, नहीं बताई, परसों मैंने एक किताब ली 9वीं क्लास की हिंदी मीडियम की हिस्ट्री की। मैं जो मुझे ध्यान है, पहले मैं पढ़ती थी, मैं पढ़ाती भी थी जब स्कूल में, तो किताबें 10 रुपए 20 रुपए 25 रुपए की थी। मुझे अचंभा हुआ, हिस्ट्री की 9वीं क्लास की हिंदी मीडियम की किताब 115 रुपए लिखी थी और उसने मुझे 125 की दी। तो जब उसने 125 कहा ना, तो मुझे ये मतलब अजीब लगा, 125 एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी तो गरीब को ध्यान में रखकर छापी जाती है, तो मैंने देखा 115 लिखा है, तो मैंने भैया इस पे 115 बोले 10 रुपए बाइंडिंग की है ना, और बाइंडिंग पता क्या थी, एक पॉलिथिन चढ़ा रखी थी। चलो कोई बात नहीं, कीमत पे आते हैं, 115 रुपए सिर्फ हिस्ट्री की किताब। एक अकेली हिस्ट्री तो नहीं पढ़नी नाइन्थ को, उसको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस की भी किताब है, 4 किताब तो सोशल की है, 3 किताब साइंस की है, मैथ्स की अलग है, हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है। आप सोचो 1,000 रुपए प्लस तो किताब है। कल मैंने 10वीं क्लास का बोर्ड आने वाला है, नवंबर 30 से शुरू हो जाएंगे, 10वीं क्लास के बच्चों को कहा किताब निकालो इकोनॉमिक्स की, बहुत सारे बच्चों के पास किताब नहीं थी। मतलब मुझे ये बोलने में भी शर्म आई, कि खुद फील हुआ मुझे कि हो सकता है कुछ लोग सच में इतने गरीब हो जो गांव में पढ़ते हैं, कि उनके लिए इकोनॉमिक्स की किताब 10वीं क्लास की, मेरे पास जो थी उस पर 65 लिखा था, लेकिन बच्चे कह रहे थे जी 80 की है नई वाली किताब, 80 रुपए ना हो, लेकिन किताब नहीं पढ़ेंगे तो और गरीब हो जाएंगे।
जाएंगे। जैसे उनको फिर मैंने यही समझाया क्योंकि उभरते बच्चे हैं कि बेटा कपड़े थोड़े सस्ते पहन लिया करो, जूते चप्पल पे ज्यादा मत खर्च करो, किताब पे कुताही मत बरतो, क्योंकि बिना किताब के जहां तुम हो ना गरीब और नीचे गिर जाओगे और गरीब हो जाओगे। बाकी सब चीजें रह सकती हैं भाई, कपड़े तुम चार की जगह दो जोड़ी रख लो, लेकिन किताब कंपलसरी है। फिर उनको मैंने कहा किताब जरूर लाओ, पेपर सारा किताब से बनना है, एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है हर साल। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि महंगाई देखो कितनी बढ़ गई। अब इस टाइम पे नहीं पढ़े ना तो आगे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाने भी बड़ा मुश्किल हो जाएंगे। सरकार कहती है हम फ्री पढ़ाते हैं, आठवीं क्लास तक फ्री है, उसके बाद तो किताब खरीदनी पड़ती है। और अगर सोशल की एक सब्जेक्ट की किताब 115 रुपए की है तो कितनी किताबें कितने की पड़ जाएंगी? 1000 रुपए का सेट पड़ता होगा एनसीईआरटी का, देश की सबसे सस्ती किताब कहते हैं एनसीईआरटी की होती है। तो आप देखो बाकी लोग कहां से कैसे अरेंज करें, कैसे पढ़ाए गरीब आदमी जिसका कोई साधन नहीं है। कितनी दुनिया तो कपड़ों पर प्रेस करके अपने बच्चों को पढ़ाती होगी ना, वो कहां से अफोर्ड करेगा इतना? किसी के तीन बच्चे हैं तो 2-3 हजार की तो किताब ही किताब आ गई। और किताब से काम थोड़ी चलता है, कॉपियां नहीं चाहिए, पेन नहीं चाहिए, स्टेशनरी नहीं चाहिए। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी 5-7 हजार रुपए खर्च करता है, तो इतना अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है बहुत लोगों के लिए। इसीलिए पढ़ लो। मुझे सच में अचंभा हुआ था कि सरकारी स्कूलों की किताबें भी 100+ कूद गई हैं, नहीं तो 5-5, 10-10 की किताब। कल मैंने फिर एग्जांपल दिया, जब मैं 8th में थी ना केंद्रीय विद्यालय में, 8th में 2 रुपए की किताब थी जो मेरी बड़ी सिस्टर ने सेकंड हैंड ली, 1 रुपए की मिली, उसने भी पढ़ी और मैंने भी, तो मैंने 50 पैसे की किताब पढ़ी थी और उसमें पढ़ के मैं क्लास की टॉपर थी, अच्छे मार्क्स आए थे। तो वो 2 रुपए की किताब आप देखो कहां पहुंच गई है, महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई। तो तुम अगर नहीं पढ़ोगे ना तो भूखे मरेंगे आगे लोग, बहुत बुरा हाल आने वाला है। एक एक चीज इतनी महंगी है कि बिना कमाए काम चलेगा नहीं, इसलिए पढ़ लिया करो, बीच में बातें मत किया करो। चलो जल्दी से देखो, बस लास्ट पहुंच गए हैं। विशेष शक्तियां, पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वो ही उससे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। अगला पॉइंट, मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, कहां जवाब देना है? लोकसभा में, राज्यसभा के प्रति नहीं। अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती। नेक्स्ट टिक करना, राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति है। तो भारत में शक्ति किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। इसके बाद अगला पॉइंट में सेकंड लाइन टिक कर लो, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने, उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल कौन करेगा? क्यों, वो क्यों करेगी? हाँ, ये लाइन यहां लिख लो, लिखो, उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल हमेशा उपराष्ट्रपति को रिजल्ट पेपर। इनके बारे में अगला टिक करो, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन होता है काम को रोक दो, है पैसा लगा रखा है तो कम से कम एक मॉरल ड्यूटी है, और ऐसे ही सरकार की भी जिम्मेदारी है। इस सरकार में जो लोग सरकार में बैठे हैं, मान लो 80 मंत्री हैं सारे मिलाकर, एक आइडिया है, इन 80 में से अगर एक बहुत बड़ी गड़बड़ करता है और वो गड़बड़ प्रूव कर दी जाती है कि देखो जिसने बहुत बड़ी गड़बड़ की, तो ये गलती उस अकेले की थोड़ी है, ये गलती उन बाकी 79 है। मोदी जी ने नोटबंदी की, बहुत सारे चैनल्स पे उनके लोगों को बुलाया, सभा के प्रति उत्तरदायी है, पेपर में आएगा ये करने के। लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट भी टिक कर लो, बड़े जो अब हो रहे हो ना, ये जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। जैसे तुम 50 से 51 के होगे मैटर नहीं करेगा, या तुम 40 से 41 के होगे, लेकिन इस एज में जिसमें तुम बैठे हो, 18 से 27 का क्राउड है यहां, कोई 18, कोई 19, कोई 20, कोई 23, कोई 24, ये सबसे कीमती साल होते हैं लाइफ बनाने के। इन सालों की मेहनत कल को तुम्हारे पास गाड़ी और घर बनवा देगी या जिंदगी भर बेरोजगार रखवा देगी। इस टाइम की कीमत सबसे ज्यादा है, ये क्रूशियल टाइम है अपनी लाइफ सेट करने का, इसकी कीमत समझो। और जिनसे आज बातचीत कर रहे हो ना, ये 10 साल बाद कोई साथ नहीं रहना। एनसीईआरटी तो गरीब को ध्यान में रखकर छापी जाती है, तो मैंने देखा 115 लिखा है, तो मैंने कहा भैया इस पे 115 बोले 10 रुपए बाइंडिंग के है ना, और बाइंडिंग पता है क्या थी,